हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो रोज की तरह मैं अपने दुकान पे हूँ और मेरी दिन की शुरुआत हो रही है छोले से। मैं जब भी दुकान पे आता हूँ तो सबसे पहले छोला बनाना पड़ता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं छोला जब बनाता हूँ बहुत टेस्टी बनाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोला है, और बनने के बाद सबसे पहले मैं ही खाता हूँ 2 से 3 प्लेट, क्योंकि स्वादिष्ट होता है। और आप एक बार खाकर देखिए मेरे दुकान के छोले, आप घर का खाना भूल जाएंगे, पक्का मैं लिख के देता हूँ। और ठंडी का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो गरम गरम चीज़ जो खाने में मज़ा है, वाह भाई क्या बात है। और मेरी राजधानी चौराहे की जो सबसे पहले दुकान खुलती है वो है मेरी दुकान, क्योंकि मैं सबसे पहले आता हूँ। और दुकान पे आते ही मैं सबसे पहले जो है दुकान की सफाई करना, काउंटर को बाहर निकालना, और ये मेरा डेली का काम है। करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये है, ये तो है ही। और अभी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा मेरी दुकान की छोले, और उसके बाद फोकस रहेगी सीधे जलेबी पे, तो आपको भी दिखाते हैं। और गाइस मैं बता दूं, मेरी दुकान पे सभी मिठाइयां अवेलेबल है, आपको जो भी चाहिए, रसगुल्ला, लाल मोहन, बर्फी, पेड़ा, काजू की बर्फी, सभी चीज मिलेंगी आपको। तो आप एक बार जरूर आइए मेरे दुकान पे, विजिट करिए, आनंद लीजिए। मेरा दोस्त रमेश भी सुबह सुबह दर्शन दे दिया है, पता नहीं ये क्या कह रहा है अपने वहाँ से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो? अच्छा, इससे बता रहा है कि मैंने सुबह सुबह फोन किया था और किराने स्टोर की दुकान के पास मुझे सामान चाहिए था, तो वही आके बता रहा है कि वो भैया बुला रहे हैं, जाके सामान ले लो। ठीक है रमेश, बोल दो आ रहे हैं जाके। तो गाइस मेरी दुकान की छोला जो है तैयार हो चुका है, और मैं चलता हूँ जलेबी बनाने। और जलेबी बनाने से पहले मैं ब्रश करूँगा, क्योंकि अभी दुकान पे भीड़ होने लगेगा तो मैं ब्रश नहीं कर पाऊँगा, तो मैं पहले करता हूँ ब्रश, उसके बाद बनाता हूँ जलेबी। गाइस मैं बता दूँ कि मेरा सबसे बेस्ट दोस्त है ये, क्योंकि ये मेरी दुकान पर उधार खाता नहीं है, जब भी आता पैसा लेकर आता है, और इसको 1 रुपये से मतलब है, राजधानी चौराहे पर सबसे पैसा मांगेगा बस 1 रुपया। और मांग के लाए हो पैसा? अच्छा, अभी मांग के लाया है तो छोला खाएगा, इसको ही मेरी दुकान की छोला बहुत पसंद है, और यू भी 2-3 प्लेट खाता रहता है, दिन भर खाता रहता है, मांगता है पैसा और मेरी दुकान पे आता है और खाता है। तो गाइस मैंने कर लिया है ब्रश, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं छोला जरूर खाऊंगा 102 प्लेट, तो मैं पहले चलता हूँ छोला खाता हूँ, और छोला खाने के बाद फिर जलेबी की ओर मैं बढ़ता हूँ, जलेबी बनाने, क्योंकि अभी कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। तो गाइस हम लोग सुबह सुबह, मैं रमेश के साथ मटर का आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अकेले ही खाता हूँ डेली, लेकिन आज रमेश साथ में है, और मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वाकई में आप भी आकर खा के देखिए, बहुत ही लजीज बनता है मेरे यहाँ का छोला। और मैं रमेश से पूछूंगा, रमेश कैसन बनल बा? मस्त है। तो गाइस सुबह का नाश्ता छोले सुबह है मेरा, और मैं तैयारी कर रहा हूँ जलेबी, क्योंकि मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए, और अभी 20 मिनट होगा गरम तेल, फिर उसके बाद मैं जलेबी निकालूंगा। और मेरी दिन की शुरुआत जो है ऐसे ही होती है, और मुझे अच्छा लगता है मेरी दिन की शुरुआत ऐसे ही हो, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो गाइस मैं बता दूं कि मेरी जलेबी की शुरुआत 5 इमरती से होती है, और मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं सबसे पहले डॉगी को खिलाता हूँ जलेबी, मुझे अच्छा लगता है बेजुमानों को खिलाना। तो गाइस गर्मा गर्म जलेबी, ठंडी में खाने का मजा कुछ और है। तो गाइस मैंने जलेबी निकाल दिया है, और कस्टमर की भरमार हो रही है। और मैं बता दूँ, अभी साथ में रमेश खा रहा था मटर, और फिर दोहरा भी रहा है, ये कस्टमर का वेट करता रहा, कोई भी कस्टमर आते हैं मेरे दुकान पे तो भाई बोल देता है कि भैया एक प्लेट। तो ये घर पे भोजन नहीं करता है, इसका मेरे दुकान पे ही चलता रहता है। तो गाइस मेरे प्रिय दोस्त मनदीप पांडे मेरे दुकान पे, और सबसे मेरे प्रिय मित्र है मनदीप भाई, और बड़े दिनों के बाद मेरे यहाँ जलेबी खाने आए हैं, रोज आते नहीं है, उधार कोई बात नहीं दोस्त, उधार चलता है। तो मैं मनदीप भाई से बोलूंगा की मनदीप भाई आप बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो गाइस फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे लक्ष्य भाई को आगे बढ़ाओ।
गाइस मैं बता दूं, मेरे यहाँ की जलेबी और मटर ही नहीं मशहूर है, मेरी दुकान की मटर समोसा ही मशहूर है। आप देख सकते हो पूरे खचाखच भरी हुई है मेरी दुकान, और ऐसे ही भरे तो मैं आईफोन जरूर अगले महीने में ले लूँगा। मैं भी कभी कभी मटर समोसा इतना भरपूर खा लेता हूँ कि 12 बजे के बाद भोजन भी नहीं कर पाता हूँ। ब्लॉग शूट करने के चक्कर में कितने आदमी थे, कितना प्लेट मैंने दिया था मटर समोसा, और मुझे खुद नहीं याद है, और 100 रुपये थमाए और निकल लिए लोग। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर, और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ दुकान पे, और मेरे इंतज़ार में बुग्गू, और आज इसको नहलाना है, काफ़ी दिन हो गए इसको नहाए हुए, और आज मैं भोजन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपने देखा मैंने मटर समोसा जलेबी ढेर सारा दुकान पे ही नाश्ता कर लिया था। तो गाइस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक ले जाइए, बाय बाय।